नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ कि एक अच्छी हेल्थ को किस तरीके से मैनिफेस्ट किया जाए। एक अच्छी हेल्थ यानी कि कोई भी बीमारी नहीं, कोई भी तकलीफ नहीं, एक स्वस्थ शरीर, है ना। एक स्वस्थ शरीर को कैसे मैनिफेस्ट किया जाए, इसका जो दूसरी लाइन होगी वो ये होगी, अपने आप को बीमारियों से दूर कैसे रखा जाए। अगर तो आप अपने लिए ये लाइन यूज़ करते हैं कि मैं अपने आप को कैसे बीमारियों से दूर रखूँ, बीमारियों से दूर करने में लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरी कैसे मदद करेगा, तो यहीं पर आपकी प्रॉब्लम है। बीमारी से दूर करने में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी पूरी मदद कर रहा है, वो आपको और बीमार कर दे रहा है क्योंकि आप बीमारी से दूर जाना चाहते हो। नो, आज से ही इस वाले सेंटेंस को कर दो बंद। बड़ी से बड़ी बीमारी का हल है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पास आपके जीवन का हल है, तो वो बड़ी से बड़ी बीमारी को तो ऐसे सॉल्व किया जा सकता है। आपको मैनिफेस्ट क्या करना है कि मेरे पास कैसे अच्छी हेल्थ हो, मेरा स्वास्थ्य कैसे अच्छा हो, ठीक है। आपने उस लाइन को अपनी जिंदगी में से बाहर निकाल दिया, भैया बीमारी से कैसे दूर होना है। आपने अपनी जिंदगी में इस वाली लाइन को ऐड कर लिया कि मुझे स्वस्थ शरीर चाहिए, मुझे अपनी जिंदगी में एक्चुअली कोई बीमारी नहीं चाहिए, है ना। यही है ना, एक स्वस्थ शरीर और बीमारी नहीं चाहिए, दोनों का मतलब एक ही है कि मुझे एक स्वस्थ शरीर चाहिए। तो अब आपको इसके लिए करना क्या है, मैं कुछ एफर्मेशंस भी दूंगी और इसके लिए आपको कुछ एक दो ऐसी एक्सरसाइजेस बताऊंगी जो आप अपने दिमाग में कर सकते हैं और दिमाग के जरिए आप किसी भी बीमारी से हो सकते हैं दूर। तो अगर आप बहुत ज़्यादा दिन तक बीमार रहते हैं, तबीयत खराब है आपकी, क्योंकि जब एक बीमार इंसान को बोल दिया जाए पॉजिटिव सोचो, वो नहीं सोच पाएगा क्योंकि उसकी फिजिकल कंडीशन वैसी नहीं है, ओके। बट ऐसे बहुत सारे आपको उदाहरण मिल जाएंगे, आप गूगल करिए, सर्च करिए, लोगों ने बेड पर उनके पूरे शरीर जो है वो पैरालाइज्ड हो चुके हैं, सिर्फ उनका माइंड काम कर रहा है, उन्होंने अपनी माइंड की पावर से अपने पूरे पैरालाइज्ड शरीर को ठीक कर लिया है। तो आपका शरीर वो पैरालाइज्ड बॉडी से बहुत बेहतर कंडीशन में है, है ना। तो अब आप तो अपने दिमाग पर उनसे ज़्यादा काम कर सकते हैं, करना कैसे है। सबसे पहली चीज़ आपको ये समझना है कि आपको दिन में एटलीस्ट 21 टाइम्स खुद से ये बोलना है कि मैं स्वस्थ हूँ। चाहिए तो आप अपने फ़ोन में ना हर 15-20 मिनट के बाद का एक अलार्म लगा लीजिए जो आपको याद दिलाए कि आप स्वस्थ हैं, आप स्वस्थ हैं, आप स्वस्थ हैं, आप स्वस्थ होंगे नहीं, आप स्वस्थ हो नहीं रहे, आप स्वस्थ हैं, आप स्वस्थ हैं। और इसी चीज़ को अगर आपकी कंडीशन इतनी बेटर है कि आप लिख सकते हैं, तो वो मैनिफेस्टेशन के लिए ज़्यादा तेज़ी से काम करता है अगर आप लिखते हैं, क्योंकि इसमें आपकी फिजिकल एनर्जी भी यूज़ होती है और आपके सबकॉन्शियस माइंड तक ये वाला मैसेज ज़्यादा तेज़ी से पहुँचता है कि आप स्वस्थ हैं। तो जब आप स्वस्थ शरीर को, बीमारी से मुक्त शरीर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और अपने बारे में सारा दिन ये एक बात ही सोच रहे हैं कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, तो आपका स्वस्थ होना तय है भाई, कोई और ऑप्शन नहीं है। अब सबसे ज़्यादा हायर फ्रीक्वेंसी पर ये चीज़ें कब काम करती हैं, जब आप सोने जा रहे हैं, आपने मान लीजिए अपनी मेडिसिन वगैरह सब ले लिए, इसके दौरान आपको कोई भी अपने जो भी आपके कोर्स चल रहे हैं उसको बंद नहीं करना है। डॉक्टर की मेडिसिन आप ले रहे हैं, आप लेते रहिए, उसको आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, वो खुद ही डॉक्टर आपको बोलेगा भैया बंद कर दो, तुम बिल्कुल सही हो, ठीक है। आपको करना क्या है, रात को जब आप सोने के लिए जा रहे हैं तो आपको खुद को ये बोल करके सोना है कि मैं स्वस्थ हूँ, और मैं सुबह उठूँगा ना तो सुबह का सूरज वाव होने वाला है मेरे लिए। अपनी फ्रीक्वेंसी को स्माइल के साथ, वो स्माइल आनी चाहिए, जब तक वो रियल स्माइल नहीं आएगी कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि सारी चीज़ें होती हैं आपकी वाइब्रेशन, आप कितने हायर पहुंच रहे हो, कितनी रियलिटी में जा रहे हो, क्योंकि आपके कॉन्शियस माइंड को पता है कि क्या है सच क्या है झूठ, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता कि आप इस वक्त स्वस्थ हो बीमार हो, उसको कोई लेना देना नहीं है, उसको बस इतना पता है हाँ ये बोलता रहता है बीमार है तो ये बीमार है। आपने बोलना शुरू कर दिया आप स्वस्थ हो, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड तक एक मैसेज जा रहा है कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। स्वस्थ शरीर किस तरीके से काम करता है, आपका स्वस्थ सबकॉन्शियस माइंड वो काम आपसे करवाने लग जाएगा, आपको नहीं करना है कुछ, आपको नहीं करना है कुछ, आपको रात को सोने के पहले बोलना है कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं सुबह उठ रहा हूँ, मैं स्वस्थ उठ रहा हूँ, मैं स्वस्थ उठ रही हूँ, मैं सुबह सुबह स्वस्थ उठ रही हूँ। ये मॉर्निंग मिराकुलस मॉर्निंग है,
आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, मैं स्वस्थ हूँ, यही एक एफर्मेशन है आपके लिए, ठीक है। अब आप सुबह उठते हैं, सुबह उठने के साथ आपने पानी भी नहीं पिया, आप बासी मुंह है, अंदर आपके चलना चाहिए मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। ये उस दिन तक चलना चाहिए जब तक आप स्वस्थ ना हो जाओ, और स्वस्थ होने के बाद तो आप खुद ही बोलोगे मैं स्वस्थ ही हूँ भाई, कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो आप कोई चीज़ मेरे सामने ला करके खड़ी कर दे, क्योंकि मैं स्वस्थ हूँ। ये होती है पॉजिटिविटी की पावर, ये होता है आपके सबकॉन्शियस माइंड की पावर। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बीमार करता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको स्वस्थ करता है। आपको चाहिए कि आपको कौन सी वाली मेडिसिन देनी है अपने आप को, स्वस्थ या बीमार? आपको देनी है स्वस्थ, तो आपको बोलना है कि मैं स्वस्थ हूँ। अब बात करते हैं, किसी ने मुझे कमेंट किया था, मैं आपके बारे में बोल रही हूँ, ये पीरियड्स में बहुत पेन होता है। पीरियड्स एक नेचुरल चीज़ है, ठीक है, होता है, बहुत सारी लड़कियों को बहुत होता है, बहुत सारी लड़कियों को कम होता है। उसके लिए आप वाटर बैग्स रखना स्टार्ट कर दीजिए अपने पेट के ऊपर, थोड़े से गर्म पानी से भरे हुए, लेकिन आपके लिए वो एफर्मेशन लागू होगी कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मेरा ये पेन गायब होता जा रहा है। एक टाइम के बाद आपको वाटर बैग रखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। एक बार आपके दिमाग के अंदर सेट हो गया कि आप स्वस्थ हो, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको बीमार कर दे, क्योंकि आपने अपने अंदर की ताकत को जान लिया है कि आप स्वस्थ हो। सिर्फ इस एक लाइन से आप कोई भी बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। ट्रस्ट मी, लोगों ने कैंसर से छुटकारा पाया है। विजुअल करना स्टार्ट करिए कि आप स्वस्थ हैं। आप कैसे चलेंगे, आप कैसे भागेंगे, आपको दुनिया देखने का कैसा नजरिया होगा आपका। जब आप इस तरीके से सोचना शुरू करेंगे, अपने आप का, अपने शरीर का विजुअलाइजेशन इस तरीके से करेंगे, सबकॉन्शियस माइंड तक एक मैसेज जाएगा कि मैं स्वस्थ हूँ, वो आपको स्वस्थ कर देगा, कोई नहीं रोक सकता इससे, तो आप स्वस्थ हो। चलिए, अपना अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए, अच्छा खाइए, हेल्दी हेल्दी डाइट लीजिए, वर्कआउट्स कीजिए, अपने आप को थोड़ा सा घर से बाहर निकालिए, ऑक्सीजन लीजिए, रात को सोने से पहले, सुबह सुबह उठने के बाद अपने आप को बोलिए कि मैं स्वस्थ हूँ, और देखिए फिर जादू। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।